like very emotional moment for all the people, and it was very shocking for the people to get this news. What do you want to say about it? See, I have nothing more to say because Devesh was a very good. He was like a friend. It was like, it's been very less time since I've been on sets, but Deepesh was one of those who was like really close to me. वो जब भी मुझे मिलता था लाइक कहीं भी रहे दूर से भी भाभी जी करके आके यू नो ही यूज़ टू ऑलवेज शेक हैंड्स कुछ भी सिचुएशन हो कहीं से भी आके शेक हैंड करके जाता था मतलब जब सुना तो लाइक आई वॉज रियली शॉक्ड एंड आई कुडंट बिलीव उस दिन मेरा उसका साथ में सीन लगा था लाइक वी वर सपोज टू शूट टुगेदर एंड वन डे प्रायर वी वर शूटिंग टुगेदर सो इट्स शॉकिंग एंड रियली वेरी वेरी सैड एंड I don't know what to say anymore. एक दिन पहले कुछ रील्स भी आई थी बाहर काफी इमोशनल मोमेंट था आपको कभी पता चला कि लाइक मुझे उस जब हुआ तो दोपहर में मेरे पास न्यूज़ आई मुझे रोहित जी का फ़ोन आया कि तुम्हें पता चला मुझे लगा मुझे नहीं पता कुछ भी जब उन्होंने बताया तो मतलब मैं तो बिलीव ही नहीं कर पाई इट वॉज़ रियली रियली शॉकिंग एंड इट वॉज़ रियली सैडनिंग फॉर ईच ऑफ अस आई थिंक सब लोग उसी शौक से गुजर रहा है इतना यंग इतना जॉली इतना इतना टैलेंटेड इतना हेल्दी लाइक उस वो सब कुछ था ही हैड एवरीथिंग लाइक वो ना स्मोकिंग ना ड्रिंकिंग कोई भी ऐप नहीं था उसमें सबसे बड़ी बात आजकल ज़िंदगी इतनी अनप्रडिक्टेबल हो गई है ये सब के बाद तो क्या बोले मिस जी जब हमने ये न्यूज़ आपको पता चला व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन आपने किससे बातचीत की उनके फैमिली मेंबर से कुछ बातचीत हुई आपकी आई वाज नम आई जस्ट कुडंट टॉक मैं थोड़ी देर के लिए मैं तो चुप हो गई थी मतलब मेरे घर वाले पूछ रहे थे कि हुआ क्या आई कुडंट से एनीथिंग लाइक लिटरली बिकॉज अभी मैं उस लड़के के साथ कल शूट कर रही थी तो फिर उसके बाद मैंने ऑफकोर्स घर वालों को ही बोला एंड घर वालों ने सबसे पहले मुझे वो किया कि ठीक है जस्ट थोड़ा अपने आप को कंपोज करो एंड देन सो आई डेंट नो वॉट टू से क्योंकि इतना मैं इनकी इसकी फैमिली को नहीं जानती थी मैं कुछ महीने से सेट पे थी लेकिन ये इतना क्लोज था ये इनफैक्ट सभी लोग TMT के इनके रूम में जाते थे मैं दो दिन पहले जाके इनको बोल रही थी कि मैं चलो हम लोग कुछ बनाते हैं साथ में हम लोग कुछ यूट्यूब पे ये करते हैं वो करते हैं एंड ही वॉज गिविंग मी आइडियाज बारे में कुछ बताना चाहता हूँ मेरा भाई मुंबई खाली आता है कुछ नहीं था उसके पास आज वो यहाँ से बहुत कुछ लेके जा रहा है आज उनका प्यार लेके जा रहा है बहुत कुछ लेके जा रहा है बहुत कुछ दे के भी जा रहा है इंसान कहते हैं कि कोई अपने साथ कुछ लेके नहीं जा रहा हमारा भाई हमारे साथ बहुत प्यार लेके गया आप लोगों का सभी का दिल से लेके गया बहुत जज्बा था उसमें कभी नेगेटिव बात नहीं करता था किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचता था फ्यूचर की प्लानिंग करता रहता था बहुत ऑप्टिमिस्टिक था
प्लान ए प्लान बी प्लान सी सब होते थे उसके पास, कभी नेगेटिव नहीं होता। पिछले 1.5 महीने से बहुत पॉजिटिव था, तो भाई मेरी सब चीज़ कंट्रोल में है, अब मैं सब पूरा मैनेज दूँ। एक्सरसाइज करता था, क्रिकेट खेलता था, उसके हेल्थ टेस्ट बड़े अच्छे आए थे, बहुत कॉन्फिडेंट था। फिर आगे चलकर भाई बहुत बड़ी बड़ी बातें करनी है, बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। जब तक ये मेरे साथ चल रहा है सीजन में चल रहा हूँ, बाकी और भी बहुत चीज़ें सोचता रहता था, सभी के लिए हेल्पफुल था, किसी को कभी ना नहीं बोलता था, हमेशा डांस करता रहता था, गाने गाता रहता था, गाने गाने का बहुत शौक था, हर सिचुएशन पे कोई ना कोई गाना सुना रहता था। एक गाना वो हमेशा गाता था, खूबसूरत बात ये चार पल का साथ ये सारी उम्र मुझको रहेगा यार, एक अजनबी हंसी हंसी मुलाकात से। जब भी कुछ ये गाना गाता चला गया भाई हमारा। आप लोग अपनी श्रद्धा मेरे लिए तो प्लेयर ही था, मुझे पता नहीं था कि वो कोई एक एक्टर है या किसी सीरियल में काम करता है। लेकिन जब मेरी बातचीत स्टार्ट हुई, उसने मुझे जब अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, सो बहुत बार मैं उसके साथ वॉक लेता था यहाँ पे, उसकी बातों से लगता था कि काफ़ी एम्बिशियस था, उसे बहुत कुछ करना था, बहुत छोटी सी एज थी उसकी, काफ़ी मैच्योर एट दिस एज आई मस्ट से। कि शायद उसने जो मुझे ये भी याद है कि बहुत ही छोटे टाइम पहले ही उसने शादी किया था, उसका बेटा हुआ था, उसने हमें काफ़ी चीज़ों में हमें उसने सारी बातें कही थी। उन चीज़ों को जब वो बातें करता था इतना आनंदित रहता था, इतना उत्साहित रहता था, वो जब भी कोई भी बात करता था उसके मुँह से हर बार अच्छी और ऐसी बातें होती थी जो अगले को भी खुश करे और हमें भी खुश, मतलब वो भी खुश रहता था। मैंने ये देखा था कि लास्ट 6 महीने में ही उसने 6 से 8 एक साल में, शायद उसकी वाइफ भी नॉर्थ इंडिया से थी तो वो मिंगल होना चाहता था ये सोसाइटी में, सबके साथ रिलेशन रखना चाहता था। लास्ट 6-8 महीने मैंने ऑब्जर्व किया था कि वो हरेक के साथ मिल के बात करता था, वो किसी को भी छोड़ता नहीं था और वो इतने दिल से संबंध रखता था सबके साथ। तो मेरे को ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये उसका काफ़ी अनफॉर्चुनेट है और मैं देखो मैं उनको मेरी और सबकी श्रद्धांजलि मैं उनकी फैमिली को कि वो बहुत ही अच्छी प्योर एंड प्योरेस्ट सॉल थी और मुझे भी लगता था कि उसका बहुत अच्छा यहाँ पे फॉर्चून था, बट एन एक्सट्रीमली सॉरी।